यूनिट चार्ज किए, 30 रुपए का एक यूनिट है, 900 रुपए में 210 किलोमीटर देखो। कंपेरेबल गाड़ियां हैं उससे बहुत बहुत सस्ती गाड़ी होगी है, लेकिन आम गैसोलीन गाड़ी से महंगी होगी। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, इंजीनियरिंग इसकी हमने कर ली है, अपनी गाड़ी हमने बना ली है। टेस्ट किया है, 127 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। पाकिस्तान ने मुल्क की सतह पर तैयार की जाने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार पेश कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीम डाइस फाउंडेशन और पाकिस्तानी जामियात और निजी शोबे के तआवुन से तैयार की जाने वाली मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार की रूनमाई मुकामी होटल में मुनक्किद हुई। डाइस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी ने मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार की तैयारी को पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील करार दिया। कंपनी का नाम जेजरी है और इसका और मैं आपको इसका क्या बताऊँ, बस ये है कि आप ये समझ लें इलेक्ट्रिक कार जो है कि अगर आप इसको 30 यूनिट में चार्ज करते हैं इसे एक रात में 7-8 घंटे रेगुलर 220 वोल्ट जो है उससे चार्ज होगी। जो घर में आपके जिसमें सारे अपने अप्लायंस लगे होते हैं वैसे आप करते हैं, 8 घंटे में चार्ज हो जाएगी, 210 किलोमीटर जाएगी एक चार्ज में। तो अगर हमने 30 यूनिट चार्ज किए, 30 रुपये का एक यूनिट है, 900 रुपये में 210 किलोमीटर देख लो, सीधे सीधी इसकी इक्वेशन। सर गाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम नूर एन ई फॉर इलेक्ट्रिक। यार प्राइस अभी हम बहुत जल्दी है करना, लेकिन ये कि प्राइस बहुत इसकी जो कंपेरेबल गाड़ियां हैं उससे बहुत बहुत सस्ती गाड़ी होगी है, लेकिन आम गैसोलीन गाड़ी से महंगी होगी। बिजली से चलने वाली कार को NURE75 का नाम दिया गया है, जिसकी अवामी फरोग के लिए बुकिंग का आगाज 2024 के आखिर में किया जाएगा। इसमें तकरीबन 30 से 35 एक्सपेट्रिएट्स हैं जो हमारे USA में UK में वो सब वॉलंटियर हैं, इसीलिए तो गाड़ी बना पाए हैं, वरना तो आप हायर नहीं कर सकते इतने महंगे इंजीनियर जो हैं। ये 2024 की आखिरी क्वार्टर में हमारा प्लान है कि इसको लॉन्च हो जाए। अब दुआ करें बस कि सारे जो प्रोसेसेस हैं, क्योंकि कोई भी एक पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, इंजीनियरिंग इसकी हमने कर ली है, अपनी गाड़ी हमने बना ली है। चैलेंजेस तो बहुत हैं अभी आगे, लेकिन अभी तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 60-80 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो पहले तो इसकी फाइनेंस आना, इन्वेस्टर्स आना, इसकी फिर कंपनी बनना। मैंने गवर्नमेंट से यार नहीं किया अभी, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट से कोई अप्रोच करेगा तो हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो हर एक के साथ काम करते हैं। कार का बैटरी पैक NID यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। जदीद फीचर्स पर मुश्तमिल इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्ट भी की जाएगी। ये सिर्फ मॉडल नहीं है, दिस इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि ऐसी गाड़ी जो तैयार हो चुकी है लेकिन अब तक तो प्रोडक्शन पे नहीं गई है, इसमें मजीद आगे बेहतर चेंजेस हो सकती है। ये टेस्टिंग के लिए कंप्लीट तैयार है, टेस्टिंग हो चुकी है, कुछ चीजों की टेस्टिंग बाकी है। हमने जैसे स्पीड टेस्ट की है, 127 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जो बैटरी की रेंज अब तक हमें टेस्ट से जो पता चली है 210 किलोमीटर वो गाड़ी देगी आपको अगर बैटरी चार्ज होगी। मजीद एसी के बगैर कितना चल सकती है, किस किस मौसम में चल सकती है, कहाँ वो हम टेस्टिंग के बाद इंशाल्लाह। इसकी जो बैटरी की लाइफ है, क्योंकि गाड़ी जब इलेक्ट्रिक कार की जब बात की जाती है तो बैटरी लाइफ स्पैन जो है बहुत काउंट होता है। बैटरी लाइफ स्पैन मेरे ख्याल में तकरीबन मिनिमम भी 8 ईयर्स इसका होगा। 8 ईयर्स कहना काफी ज्यादा, हाँ 8 ईयर्स तकरीबन इसका होगा। बिकॉज कोशिश ये की गई है कि बड़ा जो ख्याल किया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, बिकॉज इसकी जो बैटरी के पैसे डॉक्टर बता रहे थे, NID यूनिवर्सिटी में 2 साल काम हुआ है, तो NID से ही ये बैटरी बनकर निकली है। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला बैटरी की कॉस्ट भी इसकी मिनिमली भी होगी, अगर 2 सालों के बाद बैटरी खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रिक कार क्लाइमेट के लिए बहुत बेहतरीन करा दी जाती है। इसके अंदर इको सिस्टम भी है, इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड भी है, इसकी जो बैटरीज इसके अंदर यूज हुई है हीलियम बैटरीज वो भी जो है स्पोर्ट्स इसके लिए बहुत अच्छा होता है, माहौल दोस्त होती है।
इलेक्ट्रिक कार 220 वोल्ट बिजली के कनेक्शन से 8 घंटे में चार्ज होकर 120 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से 210 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी। गाड़ियों के लिए चार्जर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में तैयार किया जा रहा है। तेज रफ्तार चार्जर भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे चार्जिंग के वक्त में कमी होगी। पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक कार NUR E75 इलेक्ट्रिक कार के तमाम सिस्टम पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। कार का डिजाइन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने तैयार किया है। कार की तार हुई तकरीब में इंजीनियरिंग ऑटो सेक्टर के अलावा बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और मेड इन पाकिस्तान कार मुतारफ करवाने पर डाइस की पूरी टीम और डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी की काबिलियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।